हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे दाल पराठा, जिसके लिए हमने ये चना दाल ली है। इसे हमने 4 घंटा पहले भिगो के रखा था। तो ये हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। तेल के गर्म हो जाने पे हम इसमें साबुत जीरा का तड़का लगाएंगे, साथ ही में हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। आधा मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें अपनी भिगोई हुई चना की दाल डाल देंगे। हम इसमें आधा गिलास पानी डाल देंगे। अब हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि दाल थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, ये दाल हमारी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम गैस को बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने ढेर सारी कलियां लहसुन की, कुछ अदरक के टुकड़े और कुछ साबुत हरी मिर्च ली है। हम पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये हमने मिक्सी ली है। दाल हमारी ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसमें दाल डाल देंगे। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो इसे हमने एकदम बारीक पीस लिया है। मिक्सी के जार में हम इन सारी चीजों को भी पीस लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक मिला देंगे, ताकि सभी चीजें अच्छे से पिस जाए। तो ये देखिए, ये हमारा पेस्ट भी तैयार है। इसे हम दाल के मिक्सचर में डाल देंगे। तो पेस्ट में ही हमने नमक डाल दिया था, तो हम अलग से और नमक नहीं लेंगे। सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे दाल का मिक्सचर बनके तैयार है। तो अब हम आटा तैयार करेंगे। आपको जितना दाल पराठा तैयार करना है, आप उसके हिसाब से आटा लें। मोयम के लिए हम इसमें 2 चम्मच के हिसाब से रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि हम पूड़ियों के लिए आटा गूंथते हैं, वैसा ही हमारा आटा होना चाहिए। तो ये हमने आटा भी गूंथ के तैयार कर लिया है। अब हम इससे लोइयां बना लेंगे। लोई हम बड़ी ही बनाएंगे, क्योंकि हमें इसमें दाल को स्टफ करना है। तो हमने 2 लोइयां बना के तैयार कर ली हैं। तो अब हम इसमें तैयार किया हुआ दाल का मिक्सचर डाल देंगे। ज़्यादा नहीं भरेंगे, वरना हमारा पराठा फट सकता है। अच्छे से दबा के हम इसे गोल गोल घुमाते हुए सील कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे।
तो अब हम इसे बेल लेंगे। आप अपने हिसाब से पराठे का साइज छोटा या बड़ा रख सकते हैं। हम इतना ही बड़ा रखेंगे। तवा भी हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें पराठा डाल देंगे। एक तरफ हल्का सा सिक जाने के बाद हम इसे टर्न कर लेंगे। जब तक हमारा पराठा सिक रहा है, तब तक हम दूसरा पराठा भी तैयार करते रहेंगे। तो एक तरफ से हल्का सिक जाने के बाद हम इसे पलट लेंगे। अब हम इसमें ऑयल लगा देंगे। हम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। दूसरी साइड पलट देंगे, इस साइड भी हम तेल लगा देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है हमारे दाल पराठा में। इसी तरह हम दोनों साइड से पका लेंगे। तो ये पराठा हमारा बनके तैयार है, इसे हम उतार लेंगे। इसी तरह हम दूसरे पराठे को भी बेल लेंगे। आप इसे ब्रेकफास्ट में या डिनर में सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे आप अचार के साथ या किसी भी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये दूसरा दाल पराठा भी बनके हमारा बिल्कुल तैयार है। इसी तरह हम सारे पराठों को बना के तैयार कर लेंगे। और इस रेसिपी को भी बना के आप जरूर ट्राई करें। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसे ही आसान रेसिपीज के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक यू।